सीक्रेट्स ऑफ गॉड्स में मैं सिद्धार्थ ब्रह्मभट्ट आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूँ। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि 15 अगस्त नाग पंचमी के दिन आपको एक उपाय करना है अगर आपकी कुंडली में राहु केतु का दोष है। ये उपाय करने से आपकी जन्म कुंडली में मौजूद राहु केतु का दोष सदा सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। सनातन धर्म में नागों को पूजनीय माना गया है। एक तरफ भगवान शंकर आभूषण के भांति अपने गले में सर्प को धारण करते हैं, दूसरी तरफ भगवान विष्णु उसके ऊपर शयन करते हैं। शास्त्रों के अनुसार हमारी पृथ्वी भी शेष नाग के ऊपर ही विराजमान है, जिसका स्थान ठीक हिमालय पर्वत के नीचे पाताल लोक में बताया गया है। पुराणों में भी बहुत सारे शक्तिशाली नागों का वर्णन है, बहुत सारे नागों के अवतार भी हुए हैं, महाभारत काल में ही देख लीजिए। तो सर्प को हम पूजनीय मानते हैं, भगवान शंकर का इन्हें हम रूप मानते हैं, क्योंकि जब संसार में कालकूट विष प्रकट हुआ था, जब समुद्र मंथन हुआ था, उस समय संसार को कालकूट से बचाने के लिए सिर्फ भगवान शंकर ने विषपान किया था और उनके साथ साथ सभी सर्पों ने भी विषपान किया था। इसलिए भगवान शंकर को पूरी सर्प जाति से ही लगाव था, वो सारे सर्प उनके प्रिय बन चुके थे और इसके साथ वो पूजनीय भी हो गए। नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा करके आप आध्यात्मिक शक्तियां और धन की प्राप्ति कर सकते हैं। अगर राहु केतु का दोष है आपकी कुंडली में, विष योग है, अश्वगंधा योग है, या तो फिर अगर काल सर्प दोष है, तो इसका निवारण करने के लिए ये सर्वश्रेष्ठ दिन माना जाता है। इस वीडियो में आपको एक उपाय बताऊंगा जिससे राहु केतु का दोष आपका समाप्त हो जाएगा। नाग पंचमी के दिन आप सुबह स्नान आदि से निवृत्त हो जाइए नित्य कर्म से। आपको ये उपाय शिव मंदिर में करना है या तो फिर अपने घर पे ही। एक लंबी सी रस्सी लीजिए, रस्सी लाल रंग की होनी चाहिए या तो फिर काले रंग की, और उसके ऊपर आप 7 गांठ बनाइए, उसको आपको सर्प का रूप देना है। एक आसन के ऊपर उसको आप बैठा दीजिए, यानी कि विराजमान कीजिए। फिर आपको उनको धूप और दीप दिखाना है। 7 गांठ जो आपने बांधी है उसका अर्थ है कि आपकी 7ों जन्म की मुश्किलें, जो भी आपके दोष है राहु केतु के, उनको आप दूर करने के लिए 7 गांठ रस्सी के ऊपर लगा रहे। अभी आपको उनके ऊपर कच्चा दूध थोड़ा सा चढ़ाना है और इसके साथ किसी मीठी वस्तु का भोग लगा दे, जैसे कि पतासा है, खीर है वगैरह। फिर आप भगवान शंकर का ध्यान करें थोड़ी देर के लिए और उनसे आप प्रार्थना कीजिए कि ये सारे दोष आपके दूर हो। और फिर आपको राहु और केतु दोनों के मंत्र का जप बराबर संख्या में करना है, यानी कि जितने आप राहु के जाप करें उतने ही केतु के जाप करें। राहु का मंत्र है ओम राम राहवे नमः और केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। अगर आप 50 या कि 51, 108 जो भी हमारे निश्चित संख्या शास्त्रों में बताई गई है उसके हिसाब से ही जाप करें। अगर 108 आप राहु का करते हैं तो 108 आप केतु का भी करें। फिर धीरे धीरे महामृत्युंजय मंत्र बोलते हुए एक एक गांठ को आप छोड़ते जाइए और इसके बाद अंतिम समय में आपको उस नाग को बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। ऐसा करने से, सिर्फ इतना ही करने से, जो भी आपकी कुंडली में दोष है, राहु दोष, केतु दोष, सर्प योग यानी काल सर्प दोष, वो सारे दोष आपके इस एक उपाय से समाप्त हो जाएंगे। तो नाग पंचमी के दिन अगर आपकी कुंडली में ये सारे दोष है तो इस उपाय को आप अचूक करिए। धन्यवाद। आप हमारे चैनल पे सब्सक्राइब करें, आप अपने कमेंट्स भी दीजिए। थैंक यू सो मच।